नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुहर्रम को इमाम हुसैन की याद में मुस्लिम समुदाय सवाब की नियत से अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे रोजा रखना, यतीमों को खाना खिलाना, यौम आशूरा को नमाज पढ़ना, शबील बनाकर लोगों को पिलाना और कई ऐसे काम करना जिसका सवाब उन्हें बढ़ चढ़ कर मिले। ऐसा ही एक काम भुसावल शहर के MB एकता फाउंडेशन पंचशील नगर में किया गया, जिसमें माजी नगर सेवक मुश्ताक भाई के मार्गदर्शन में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें 50 से अधिक नागरिकों ने ब्लड डोनेट किया और इस कैंप को अच्छा प्रतिशत मिला। वहीं माजी नगर सेवक मुश्ताक भाई शेख ने बताया कि MB एकता फाउंडेशन 1996 से पंचशील नगर में सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहा है। पिछले दिनों में MB एकता फाउंडेशन ने पंचशील नगर में अनेक काम को अंजाम दिए और आशा है कि MB एकता फाउंडेशन आगे भी ऐसे काम करता रहेगा। और सभी शहर के नागरिकों से आह्वान किया है कि हर वार्ड में, हर गली में ऐसे ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम होना चाहिए और सभी नौजवान को आगे आना चाहिए। श्रीनगर में शहीद आजम इमाम हुसैन की याद में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। माजी नगर सेवक मुश्ताक भाई शेख इनके मार्गदर्शन में ये ब्लड डोनेट का कार्यक्रम भुसावल पंचशील नगर में किया गया है और यहाँ पर हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। भुसावल पंचशील नगर में हमने 50 से 60 लोगों का ब्लड डोनेट किया है और शहीद आजम की याद को हमने इसी तरीके से मनाने का सोचा था पंचशील नगर के वासियों ने, और इसके अंदर हमको माजी नगर सेवक मुश्ताक भाई शेख इनका बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है और और पूरे जनता का हमको इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रतिसाद मिला है और अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैं चाहूँगा कि भुसावल के हर वार्ड में, हर गली में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए शहीद आजम की याद में, और सभी नौजवान को आगे आना चाहिए ब्लड डोनेट के कार्यक्रम में। बच्चों ने मेरा कार्यक्रम किया है, बच्चों ने मेहनत की है, अच्छा काम किया है। मैं इनके साथ में हमेशा उनके साथ में रहूँगा, उनको मदद करता रहूँगा। जैसे मैं चाहूँगा कि ये हर वार्ड में हुए मुहर्रम के मौके पे, और ये MB एकता का मतलब ये है कि ये जो लड़के ने किया है तो बस सबके दुख सुख में सबको साथ देना, सबके साथ में, सबको साथ में लेके चलना, ये मैं भी चाहता हूँ, ये बच्चे भी चाहते हैं। ये MB एकता 1996 पास से काम कर रही है, ये 1996 पास से काम करते हैं। पहले MB फाउंडेशन था, MB ग्रुप था, फिर बच्चों ने MB एकता बनाई, तो यहाँ पे 96 पास से एक काम कर रहे, पूरे वार्ड का चेहरा बदल दिया है MB एकता ग्रुप ने, MB एकता फाउंडेशन ने। ये वार्ड का जो भी तुम जो खड़े अपन जो पुल पे, ये भी एकता फाउंडेशन के माध्यम से बनाए, ये पुल पे जो खड़े अपन, ये पीछे जो हॉल शहीद अब्दुल मिधाल है, ये भी एकता फाउंडेशन के ओर से बनाए, इसके कार्यालय से। ये पूरे रोड पे जो झाड़ देखेंगे आप, तो ये MB एकता फाउंडेशन के वजह से बने। ये जो है MB एकता ग्रुप 1996 आपने जैसे बताया, हाँ, तो इसकी शुरुआत जो है कितने की है सबसे पहले? हमने की थी। इसका अध्यक्ष कौन था? मैं खुद मुश्ताक भाई और मेरे बच्चे गफ्फार, राजू, ये जो भी रफीक भाई, ये जो बच्चे जो है पुराने आज मेरे पास, ये पहले से थे, अभी नए बच्चे जुड़े और ये अभी शुरुआत कर रहे काम।